এবং এরপরে বিরোধীরা তারা সরব হন, বিরোধীদের অপমান করছেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই বক্তব্য তাদের। সংসদে এসে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে, একসুরে দাবি তুলল বিরোধীরা। ब्लैक मनी के खिलाफ है तो फिर प्रधानमंत्री जी आज कैसे कह सकते हैं कि अपोजिशन पार्टीज ब्लैक मनी के फेवर में है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में अपोजिशन से माफी मांगनी चाहिए। यू आस्क योर मेंबर्स टू गो बैक। नो वन इज सेइंग एवरीवन हु अपोजेस दिस पॉलिसी दैट डज नॉट सीन ही इज अ सेंट एंड वी आर ऑल डेविल्स। क्या करेगा? प्रधानमंत्री ये बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं, हमें अफसोस है इस शब्द इस्तेमाल करने का, क्योंकि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे वो कालाधन के विरोध में युद्ध छेड़े हैं, बल्कि वो पूरा तैयारी दिए हैं अपने मित्रों को, बंधुओं को, जो लोग कालाधन के व्यापारी हैं। बैंक का खाता हमने दिखाया कि किस तरह से बीजेपी के लोग पैसे जमा कर दिए, और जिस किस तरह से जो कालाधन के मालिक हैं, जो अमीर हैं, धन्ना सेठ हैं, वो तो आराम से बैठे हुए हैं। परेशानी किसको हुई? आम जनता को। लेकिन हम विपक्ष ये कह रहे हैं कि रोजाना फ्लिप फ्लॉप क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री 8 तारीख को कहे कि वो पहले 4000 तक और फिर बाद में और भी बढ़ाएंगे, वो 4 से 4500 करके, फिर 2000 करके, और फिर अभी वो अचानक कहे कि अभी बदलाव नहीं होगा। तो RBI का नोटिस भी रोजाना बदल रहा है, प्रधानमंत्री की बातें रोजाना बदल रही है। तो परेशानी तो लोगों को हो रही है, कालाधन वाले तो उनको बाईपास वो कर दिए हैं, लेकिन जो परेशान हो रहे हैं आम जनता, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, अभी अभी ये तनख्वाह मिलेगा, पगार मिलेगा, जिनको रोजाने का या हफ्तेवार को मिलता है, उसको तो कच्चा पैसा मिलता है ना, उसको तो 500 का नोट हो, 100 का नोट हो मिलता है, तो नोट का सप्लाई कम गया। 500 हजार के नोट को वो बंदिश लगाए, लेकिन 100 का नोट भी उस जगह को पूरा कर रहा है ना। 85 लाख करोड़ का अगर बाजार है तो उसमें 100 का, 20 का, 50 का नोट की भी किल्लत हो गया, तो उनको कम से कम वो नोट तो बाजार में लाना चाहिए था।